हत्या के तहत मामला आगे बढ़ता है, बढ़ता रहेगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि गवाह के बयानों को खारिज नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया, या जो हाईकोर्ट अपना फैसला जो पढ़ रहा है उसमें यह कह रहा है कि केजरीवाल गवाह को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग गिरफ्तार है, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से सामने आया है। अब समझिए अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त देश की सियासत जहां एक तरफ गर्म है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब दिल्ली की 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी तो ये पहलू भी बेहद खास हो जाएगा। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लगातार जानकारी के साथ। विक्रांत, एक बार फिर से, क्योंकि इस वक्त दिल्ली पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं इस मामले पर, चाहे वो कानूनी तौर पर हो या फिर राजनीतिक तौर पर, दोनों पहलू जानेंगे आपसे। देखिए, इस समय कोर्ट का जजमेंट क्योंकि रेगुलर आ रहा है, कोर्ट जो भी जजमेंट दे रहा है वो लगातार कोर्ट लिखवा बोल रहा है कोर्ट के सामने जस्टिस सुरेंद्र कांता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को इस समय जाननी होगी, कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो है वो सवाल कोर्ट के सामने था ही नहीं, कोर्ट को केवल कानूनी मसले को देखना है। कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट के सामने नहीं था, कोर्ट के सामने जो मामला है वो ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच में है। तो अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच क्या विवाद चल रहा है, किस तरह का विवाद है, ये कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट को तय नहीं करना। कोर्ट के सामने केवल ईडी और अरविंद केजरीवाल का मामला है और वो सबूतों के आधार पर इस मामले को देख रही है। कोर्ट ने एक और दूसरी बड़ी बात बोली है कि जजेस जो हैं वो कानून से बंधे होते हैं, वो पॉलिटिक्स से नहीं बंधे होते, और जजमेंट लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं, कानूनी जो बुनियादी जानकारियां हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके आधार पर लिखा जाता है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस के आधार पर जजमेंट्स नहीं होते। तो बहुत बड़ी बात कोर्ट ने ये बोली है, और निश्चित तौर पर कोर्ट की इन टिप्पणियों से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने जा रही है, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में कई ऐसी चीज़ें पूरी तरीके से गिराई हैं जो अरविंद केजरीवाल के वकीलों के जरिए जिन पर सवाल उठाया गया था। कोर्ट ने यह भी बोला कि कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर निर्भर करती है, कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर चिंतित है, उसी को लेकर कोर्ट काम करती है, और कोर्ट का किसी भी पॉलिटिकल मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राजनीतिक तौर पर अपनी बहस को, जब वो जिरह कर रहे थे, काफ़ी आगे ले गए थे, और उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर से प्रेरित बताते हुए गिरफ्तारी पर भी ये कहा था कि ये राजनीति के कारण ही गिरफ्तारी की गई है। तो कोर्ट ने एक तरह से जो बचाव पक्ष की तमाम दलीलें थी उन्हें खारिज किया है। अभी हालांकि कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ये मामला दे रहा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल ये फैसला रहने वाला है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो फाइल्स ईडी ने कोर्ट के सामने रखी हैं उससे ये साफ होता है कि केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया तो हर तरह के नियम और कानून का पालन किया गया। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तो जो भी इस तरह के मामले में गिरफ्तारी के नियम होते हैं उन सभी नियमों का पालन किया गया था, और मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था वो भी काफ़ी बैलेंस्ड ऑर्डर था, और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में भी काफ़ी चीज़ें बाकायदा कारणों के साथ लिखी गई थी। कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो कोर्ट के सामने मटेरियल है उसमें काफ़ी सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, बतौर इंडिविजुअल और बतौर पार्टी संयोजक। तो हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने देखिए पूरी डिटेल यहां पर आप तक पहुंचाई है कि अब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ सामने आ चुका है, जो दलीलें यहां पर दी गई हैं, और उसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से क्या यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि आज नजरें सिर्फ दिल्ली वालों की नहीं बल्कि पूरे देश की टिकी हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त केजरीवाल ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं, केजरीवाल गवाह को क्रॉस कर सकते हैं, गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। देखिए चुनावी माहौल है, ऐसे में जो सवाल बार बार उठाए जा रहे थे उसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी है,
हाईकोर्ट सीधे सीधे यही संदेश दे रहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी मामला आगे बढ़ता है उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए, या जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत है। विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत, गिरफ्तारी की कोर्ट राजनीति का कोई अखाड़ा नहीं है, ये भी यहाँ पर कहा हाई कोर्ट ने। इस समय की सबसे बड़ी खबर कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की इस मामले में गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैलिड है, वो पूरी तरीके से कानून सम्मत है। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है। कोर्ट ने यह भी बोला है कि ईडी इस मामले में पर्याप्त सबूत कोर्ट के सामने रखने में कामयाब रही है। कोर्ट ने अप्रूवर्स के बयान कोर्ट के सामने रखे हैं। कोर्ट ने खुद अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेट का बयान सामने